आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं टॉप ड्राइव, जिसमें अब हम बात करने जा रहे हैं BMW की 320D और Audi की A4 की। ये दोनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में खासी पसंद की जाती है। हमने इन दोनों की ही टेस्ट ड्राइव की ये जानने के लिए, ताकि आपको एक सही गाड़ी चुनने में मदद मिल सके। लग्जरियस और पावरफुल गाड़ियां पसंद करने वालों के लिए BMW की 3 सीरीज और Audi की A4 एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों गाड़ियां इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। Audi A4 का लुक बेहद अग्रेसिव, स्पोर्टी और बोल्ड है। खास तौर से इसके ज़ेनो हेडलैम्प्स, जो बेहद खूबसूरत और बड़े हैं। इसके फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर इसे मस्कुलर लुक देते हैं। वहीं BMW की नई 3 सीरीज का लुक डायनामिक और मस्कुलर है, जो आपको जरूर पसंद आएगा। BMW ने न सिर्फ इसे बाहर से खूबसूरत बनाया है, बल्कि अंदर से भी ये कार आपको खूबसूरत और स्पेशियस नजर आएगी। इसकी सीट में डेकोटा लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद आरामदायक है। फ्रंट और पिछली सीट के पैसेंजर को भरपूर लेग रूम मिलता है। Audi A4 का इंटीरियर भी आपको कहीं से कम नहीं लगेगा। अंदर से ये कार लग्जरी फीचर्स से भरपूर है। इसकी सीट में भी हाई क्वालिटी लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। स्पेस के मामले में ये BMW की नई 3 सीरीज से थोड़ा निराश कर सकती है। Audi A4 के आपको 3 इंजन वेरिएंट मिलेंगे। BMW ने सभी वेरिएंट्स में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 8 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन रखा है। कंपनी ने 320D की दिल्ली में एक शोरूम कीमत रखी है 31,50,000 से 36,90,000 रुपए। वहीं Audi A4 की कीमत है 38,00,000 रुपए। कीमत के मामले में Audi BMW से बाजी मार ले जाती है, और यहीं पर इसकी असल मायने में जीत भी है, क्योंकि नई A4 और नई 3 सीरीज में पावर, कंफर्ट और लग्जरी को लेकर कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन कीमत में काफी बड़ा अंतर है, जो खरीदार को सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। टॉप ड्राइव के लिए दिलीप गौतम, IBN से। हो चुका है आपके सवालों के जवाब जानने का। हमारे साथ इस वक्त आपके सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं टूटू धवन। टूटू धवन साहब, जो पहला सवाल किया है वो किया है हरियाणा सोनीपत से चिराग ने, जो कि ये जानना चाहते हैं कि डीजल इंजन के साथ टोयोटा लीवा और मारुति स्विफ्ट में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। चिराग जी, अभी तक तो मारुति ने अपना हाथ ऊपर ही रखा है, तो हम आपको डिजायर के बारे में बताते हैं। 1.3 लीटर जो डीजल इंजन के साथ आती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। 23 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज का दावा है, और 4.48 लाख से शुरू होती है और 6.87 लाख तक जाती है। मारुति उद्योग की सर्विस इन सेल इज सपोज टू बी द बेस्ट इन द कैटेगरी, एंड नेशन वाइड उसकी आपको सर्विस मिलेगी एट अ वेरी कंपेरेटिव प्राइस। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डिजायर देखिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी रियली हैप्पी टू हैव वन which gives you a good service and residual value also. वहीं जो दूसरा सवाल किया है वो किया है वरदान ने लुधियाना से। ये स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं जो कि माइलेज के लिहाज से बेहतर हो, क्योंकि इनकी रोज की जो रनिंग है वो 200 किलोमीटर की है। वरदान, आपके बजट के अंदर तो हम आपको होंडा CBR 150 बताते हैं, जो विद ऑल बेल्स एंड विसल्स एंड कॉस्टिंग आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठेगी। 1,26,000 रुपीज की उसकी कॉस्ट है। टॉप स्पीड उसकी विद अ 150cc इंजन जो 17.57 bhp निकालता है इज 120, और 35-40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। एंड होंडा इंजीनियरिंग इज सेकेंड टू नन, और उनकी जो इंजन परफॉर्मेंस है इज वन ऑफ द बेस्ट इन टू व्हीलर। वहीं जो अगला सवाल है वो है धर्मवीर का सिरसा हरियाणा से। ये होंडा अमेज और स्विफ्ट डिजायर के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी बेहतर है। धर्मवीर जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, और डीजल वाली तो ऑब्वियसली जो अमेज आई है दैट हैज गॉट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। 25 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और क्योंकि थोड़ी सी नई है, फ्रेश है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होंडा अमेज देखिए, और
आई एम श्योर यू विल लाइक इट। आजकल तो खैर उसकी वेटिंग भी काफी चल रही है और हो सकता है कि आपको कुछ 6-8 महीने भी वेट करना पड़ जाए। एंड आफ्टर सेल सर्विस होंडा की बहुत बढ़िया है एंड रेजिड्यूल वैल्यू जब आप बेचना चाहते हैं, जब भी बेचना चाहेंगे, इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपको बता दें कि अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं कार या बाइक की दुनिया से जुड़ा तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं facebook.com/IBM7TopDrive पर। और इसके अलावा अगर आप इस शो को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप लॉग आउट करिए IBMKhabar.com पर। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे बाइक और कार की दुनिया से जुड़े कुछ और नई स्टोरीज के साथ, क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, सेफ ड्राइव एंड बाय बाय।